दोस्तों सीटें ना भरने की वजह से रेलवे तीन चल रही जो वंदे भारत गाड़ियां हैं इनका एक्सटेंशन करने जा रही है, क्योंकि दोस्तों लगातार जो तीन चल रही वंदे भारत ट्रेनें हैं वो भारतीय रेलवे के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है, और इसीलिए ये जो तीन गाड़ियां हैं इनका रूट रेलवे बढ़ाने जा रही है, एक्सटेंशन करने जा रही है। वहीं ये तीन वंदे भारत ट्रेनें किस रूट पर अभी फिलहाल चल रही है और ये कहां तक एक्सटेंड हो रही है, इनका नया रूट क्या होगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। वहीं ये जो एक्सटेंशन है तीनों गाड़ियों को लेकर वो हमें कब देखने को मिलेगा, ये भी सारी चीजें बताऊंगा इस वीडियो के अंदर रिपोर्ट के साथ। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, काफी इंपोर्टेंट वीडियो होगा। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं एक्सटेंड होने जा रही ये तीन वंदे भारत गाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों रेलवे वंदे भारत गाड़ियों का जो नेटवर्क है वो पूरे देश में लगातार बढ़ाते जा रही है, लेकिन कई ऐसे रूट्स हैं जिन पर ये गाड़ियां अच्छी कमाई नहीं कर पा रही है, सीटें खाली जा रही है। ऐसे में खाली सीटों के साथ चल रही ये जो वंदे भारत गाड़ियां हैं ये रेलवे के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है, और इसीलिए दोस्तों समय समय पर ये जो खाली चल रही वंदे भारत गाड़ियां हैं इनके रूट में रेलवे बदलाव करती है एंड इनके रूट को बढ़ाकर एक्सटेंशन कर देती है। और इसी कड़ी में दोस्तों ये जो तीन वंदे भारत गाड़ियां हैं जो कि अभी फिलहाल लो ऑक्युपेंसी रेट के साथ चल रही है इनके रूट को भी रेलवे बढ़ाने वाली है, और इसे दोस्तों ये जो गाड़ियां हैं चल रही लो ऑक्युपेंसी रेट के साथ इनके जो सीट्स हैं वो यहाँ पर भरने की जो उम्मीदें हैं वो दोबारा से इन गाड़ियों में बनेगी। तो आइए दोस्तों एक एक करके जो तीन वंदे भारत गाड़ियां हैं जिनके रूट्स में रेलवे विस्तार करने जा रही है इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें हमारी पहली वंदे भारत गाड़ी की जिसका एक्सटेंशन रेलवे करने वाली है और ये 100% कन्फर्म भी हो चुका है। तो दोस्तों हमारी ये वंदे भारत राजस्थान की वंदे भारत गाड़ी है जो कि अभी फिलहाल जोधपुर से साबरमती के बीच में चल रही है एंड इसका जो रूट है वो अब रेलवे एक्सटेंड करने वाली है नए डेस्टिनेशन तक इस गाड़ी को चलाने वाली है। वहीं दोस्तों इसको लेकर जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग राजधानी जयपुर से आगरा और जोधपुर का सफर ट्रेन से करने वाले जो यात्री हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर रेलवे की तरफ से सामने आ चुका है। अब वे सभी लोग देश की सेमी हाई स्पीड ट्रेन यानी कि वंदे भारत से अपने सफर को पूरा करते हुए हाईटेक सुविधाओं के साथ अपने सफर का लुत्फ उठा पाएंगे। वहीं दोस्तों इस वंदे भारत के जरिए वो अपने सफर को जल्दी भी पूरा कर पाएंगे, ट्रेवल टाइम भी उनका कम लगेगा। एंड दोस्तों एक्चुअली अभी के टाइम में रेलवे वंदे भारत ट्रेनों में यात्री भार में कमी होने के कारण जो गाड़ियां हैं इनके फेरे को घटाकर एक ही ट्रेन को दो नए रूटों पर चलाना शुरू कर चुकी है, और इसी कड़ी में रेलवे अब जोधपुर से साबरमती के बीच दौड़ रही जो वंदे भारत गाड़ी है इसका जो संचालन है वो सप्ताह में 6 दिन के बजाय अब सिर्फ 3 दिन करने का जो फैसला है वो यहाँ पर ले चुकी है। वहीं बात करें नए रूट की तो इस ट्रेन को सप्ताह में 3 दिन जोधपुर से वाया जयपुर होते हुए आगरा तक रेलवे अब चलाने वाली है, यानी कि ये गाड़ी भी आगरा को कनेक्ट करेगी। जैसे कि हमारी जो उदयपुर से जयपुर वाली वंदे भारत गाड़ी थी इसको भी रेलवे ने सप्ताह में 3 दिन कर दिया है उदयपुर से आगरा कैंट के बीच में, ठीक उसी तरह ये जो वंदे भारत गाड़ी है जो कि फिलहाल जोधपुर से साबरमती के बीच में चल रही है इसको भी अब सप्ताह में 3 दिन जोधपुर से वाया जयपुर होते हुए आगरा तक अब रेलवे चलाने वाली है। वहीं दोस्तों रेलवे अधिकारियों का कहना ये है कि जयपुर से जोधपुर और जयपुर से आगरा के बीच वंदे भारत के संचालन की डिमांड थी उसे ध्यान में रखते हुए जो बदलाव है वो यहाँ पर रेलवे करने जा रही है। वहीं बात करें इस गाड़ी के किराए के बारे में तो यहाँ पर रेलवे ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग जल्दी ही जोधपुर से वाया जयपुर होकर आगरा तक संचालित होने वाली ये जो हमारी वंदे भारत ट्रेन है इसकी परिचालन का समय किराया और स्टेशनों का जो ठहराव है वो रेलवे द्वारा तय हो जाएगा और इसको लेकर काम जारी है। और यहाँ पर बात करें एक्सपेक्टेड डेट की कि इस नए रूट पर इस गाड़ी का जो संचालन है वो कब से रेलवे शुरू करेगी तो यहाँ पर जो रेलवे सूत्र है उनके द्वारा जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग दिवाली से पहले इस नए रूट पर यानी कि जोधपुर से जयपुर होते हुए आगरा तक इस गाड़ी का जो संचालन है वो दिवाली से पहले रेलवे शुरू कर देगी। एंड इस गाड़ी के रूट में भी बदलाव करने का जो वजह है वो है लो ऑक्युपेंसी रेट। ये गाड़ी भी खाली सीटों के साथ चल रही है, यात्री मिलने में काफी दिक्कत गाड़ी को हो रहे हैं एंड इसी समस्या को दूर करने के लिए इस गाड़ी का जो संचालन है वो अब 3-3 दिन रेलवे करेगी 2 अलग रूटों पर। वहीं दोस्तों बात करें दूसरे रूट की जिस पर चल रही वंदे भारत का जो एक्सटेंशन है वो अब रेलवे करने वाली है। तो दोस्तों हमारा जो दूसरा रूट है इस पर वंदे भारत की शुरुआत बीते 15 सितंबर को हुआ, यानी कि 15 सितंबर को गाड़ी का इनॉग्रेशन हुआ और यहाँ पर एक महीना भी नहीं बीता है तभी इसका जो एक्सटेंशन का अपडेट है वो यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है। और यहाँ पर बात करें रूट के बारे में कि आखिर मैं किस रूट के बारे में बात कर रहा हूँ तो एक्चुअली दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ हावड़ा भागलपुर वंदे भारत गाड़ी की। जी हाँ दोस्तों हावड़ा से भागलपुर के बीच में चल रही जो हमारी वंदे भारत गाड़ी है जो कि 8 कोच के साथ चल रही है इसका भी एक्सटेंशन अब रेलवे करने वाली है। एक्सटेंशन की तो इसका जो विस्तार है वो रेलवे अब करने वाली है जमालपुर तक, यानी कि ये गाड़ी जमालपुर से खुलेगी एंड भागलपुर होते हुए अपने जो पुराने स्टॉपेज है उस पर रुकते हुए अब हावड़ा तक जाएगी एंड इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। वहीं दोस्तों इस गाड़ी के विस्तार को लेकर जो रिपोर्ट मिला है उसके अकॉर्डिंग जदयू जिला अध्यक्ष नचिकेता मंडल और पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ निधि ने बीते गुरुवार को मुंगेर के सांसद सह केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लालन सिंह से मिलकर आसनसोल बैठक की जानकारी दी और सांसद से आग्रह किया कि रेल मंत्री जी से बात करके
भागलपुर से हावड़ा के बीच में चल रही जो वंदे भारत गाड़ी है उसको जमालपुर से शुरू करने का प्रयास किया जाए, यानी कि इसको लेकर भी जो कार्रवाई है उसकी शुरुआत हो चुका है गाड़ी के विस्तार होने को लेकर। वहीं पूर्व रेलवे को निर्देशित किए जाए कि राजगीर क्यूल स्पेशल को खगड़िया रेलवे स्टेशन तक विस्तारित करने के लिए जो अनापत्ति है उसको दी जाए। वहीं मुंगेर से बेगूसराय और मुंगेर से खगड़िया के लिए नए 8 बोगी की जो मेमू ट्रेन है इसके भी संचालन शुरू किया जाए, इसको भी चलाया जाए। वहीं जमालपुर डीजल शेड में इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी डेवलप किया जाए, ऐसे जो कार्रवाई है वो यहाँ पर अभी के डेट में शुरू हो चुकी है। यानी कि दोस्तों जमालपुर से भागलपुर होते हुए हावड़ा तक इस वंदे भारत को चलाने की जो कार्रवाई है उसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। अब ये जानकारी दी जाएगी रेल मंत्री जी को, एंड रेल मंत्री जी के पास ये बात पहुँचने के बाद इस गाड़ी का एक्सटेंशन होने वाला है 100% कन्फर्म है। क्योंकि दोस्तों ये गाड़ी भी भागलपुर से हावड़ा के बीच में कुछ अच्छी कमाई नहीं कर पा रही है, इसके भी सीटें लगातार खाली जा रहे हैं। एंड जब से इस गाड़ी की शुरुआत हुई है तब से ही इस गाड़ी में कुछ खास टिकट बुकिंग देखने को नहीं मिल रही है। खासकर भागलपुर से हावड़ा जाने के क्रम में ये जो गाड़ी है इसके सीटें बहुत भारी मात्रा में खाली जा रहे हैं। लेकिन हावड़ा से भागलपुर आने के क्रम में गाड़ी की स्थिति अभी सही दिख रही है, लेकिन भागलपुर से हावड़ा जाने के क्रम में गाड़ी की जो टिकट बुकिंग की स्थिति है उसको देखते हुए ये कहना बिल्कुल सही होगा कि इस गाड़ी को एक्सटेंड करने की सख्त जरूरत है। वही ये फिलहाल 8 कोच के साथ गाड़ी चल रही है और यहाँ पर 8 कोच के साथ चलने के बावजूद भी इसमें जो टिकट बुकिंग की डेटा है उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये जो गाड़ी है वो यहाँ पर सुपर फ्लॉप साबित हो रही है। वहीं 15 और 16 सितंबर को देश में टोटल 12 रूटों पर जो वंदे भारत गाड़ियां हैं इनकी शुरुआत रेलवे ने किया, एंड जो 12 रूटों पर गाड़ियों की शुरुआत हुई इसमें से कई ऐसे वंदे भारत गाड़ियां हैं जो कि यहाँ पर फ्लॉप साबित हो रही है, यात्री नहीं मिल पा रहे हैं। वहीं दोस्तों गाड़ियों के फ्लॉप होने के पीछे कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा रीजन है जो कि हमें समझ में आता है वो है गाड़ियों का किराया। एंड एक्चुअली जो वंदे भारत गाड़ियां हैं इनका किराया ज्यादा होने की वजह से जो यात्री हैं वो गाड़ियों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। वहीं दोस्तों दूसरी ओर पटना से चलने वाली जो वंदे भारत गाड़ियां हैं लाइक पटना गोमती नगर, पटना रांची, पटना टाटा नगर, पटना हावड़ा जैसे रूटों पर जो गाड़ियां चल रही है वंदे भारत टाइप की, इनको लेकर जबरदस्त रिस्पांस देखने को मिल रहा है। जबरदस्त जो टिकट बुकिंग के डेटा है वो हमारे सामने आ रहे हैं, यानी कि पटना से चलने वाली गाड़ियां सुपर हिट हो रही है। लेकिन बिहार में पटना के अलावा जो अलग अलग शहरों से गाड़ियों की शुरुआत रेलवे ने किया है वो गाड़ियां कुछ अच्छी कमाई नहीं कर पा रही है। बाकी दोस्तों भागलपुर से हावड़ा वाली वंदे भारत के शुरू हुए अभी 15 दिन भी नहीं हुआ है, तो ऐसे में रेलवे इस पर और भी थोड़ा सा टाइम देगी कि गाड़ी का जो ऑक्यूपेंसी रेट है उसमें क्या बदलाव देखने को मिलता है, घटता है या फिर बढ़ता है। एंड उसके बाद भी गाड़ी जो टिकट बुकिंग है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, सीटें खाली जा रही है, तब यहाँ पर 100% जो गाड़ी है भागलपुर से हावड़ा वाली वंदे भारत ये जमालपुर तक एक्सटेंड हो जाएगी। वहीं बात करें तीसरे रूट की जिस पर चल रही वंदे भारत को रेलवे एक्सटेंड करने वाली है, तो दोस्तों हमारा जो तीसरा रूट है वो है मेरठ सिटी से लखनऊ वाला, जिस पर दोस्तों वंदे भारत गाड़ी की शुरुआत बीते 31 अगस्त 2024 को हुई, यानी कि गाड़ी की शुरुआत हुए ऑलमोस्ट 1 महीने का समय हो चुका है। एंड यहाँ पर 1 महीने बाद भी इस गाड़ी में जो टिकटें हैं वो बुक होने का नाम नहीं ले रहे हैं, गाड़ी खाली जा रही है। यानी कि दोस्तों मेरठ लखनऊ वंदे भारत भी एक फ्लॉप वंदे भारत साबित हो रही है। वहीं दोस्तों खाली सीटों के साथ चल रही है जो गाड़ी है मेरठ से लखनऊ वाली वंदे भारत, इसमें सीटें बुक करवाने के लिए रेलवे अब इसका जो रूट है उसको एक्सटेंड करने वाली है। हालांकि इसका एक्सटेंशन कहां तक होगा ये अभी पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन यहाँ पर लखनऊ से आगे इस गाड़ी का रूट बढ़ सकता है, ऐसे जो अपडेट है वो यहाँ पर अभी के लिए मिल रहे हैं। वहीं लखनऊ से आगे ये गाड़ी अयोध्या या फिर प्रयागराज तक बढ़ाई जा सकती है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इस गाड़ी का जो एक्सटेंशन है वो कहाँ तक करना चाहिए, अयोध्या या फिर प्रयागराज। बाकी दोस्तों मेरठ से लखनऊ वाली वंदे भारत गाड़ी भी शुरू से ही कुछ अच्छी कमाई नहीं कर पा रही है, लगातार इसके जो सीट्स हैं वो खाली जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। एंड इसी समस्या को गंभीरता से लेते हुए रेलवे इस पर जो विचार विमर्श का कार्यक्रम है उसको शुरू कर चुकी है, और यहाँ पर अगर सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग रहा तो बहुत जल्दी ही ये जो गाड़ी है मेरठ से लखनऊ के बीच में चल रही वंदे भारत इसके रूट को आप बढ़ते हुए दिखेंगे, इस गाड़ी का विस्तार हो जाएगा। बाकी 31 अगस्त 2024 को 3 नई वंदे भारत की जो इनॉग्रेशन है वो रेलवे द्वारा किया गया, लेकिन ये जो 3 वंदे भारत की इनॉग्रेशन हुआ था 31 अगस्त को उसमें से 2 वंदे भारत गाड़ियां एक फ्लॉप वंदे भारत नजर आ रही है, और उसी में से हमारी मेरठ लखनऊ वंदे भारत भी शामिल है। हालांकि मेरठ से लखनऊ वाली वंदे भारत का रूट कहां तक बढ़ेगा इसके ऊपर अभी तक कोई अपडेट नहीं है, एंड होपफुली बहुत जल्दी ही जो रिपोर्ट है वो इस गाड़ी को लेकर भी सामने आ जाएगा। बाकी दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि जो 3 वंदे भारत गाड़ियां हैं जिनके रूट को रेलवे अब बढ़ाने वाली है ऑक्यूपेंसी रेट को बढ़ाने के लिए, तो एक्चुअल में इन गाड़ियों के रूट को बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मैं जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मेरठ से लखनऊ वाली वंदे भारत का जो रूट है वो रेलवे को कहां तक एक्सटेंड करना चाहिए इसके ऊपर भी आपका जो राय है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट कर रहा हूं कमेंट सेक्शन में। एंड दोस्तों यहीं तक 3 वंदे भारत का एक्सटेंशन का अपडेट, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड मैं मिलता हूं आपसे नए वीडियो नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।